मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे, ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए मोयथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है, अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4. रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। 5. नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। 100. आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें।
कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 6. आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8. हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9. हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10. लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। देवता और ऋषियों सहित 6 उन चीजों के बारे में बताया गया है भागवत में, जिनके अपमान या नुकसान से कई लोगों को मिली है सजा। श्रीमद् भागवत में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु धर्मो मयी च विद्वेष सर्व आशु विनश्यत। श्रीमद् भागवत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ, ब्रह्मानों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। ऐसे ही ज्ञान का आनंद लेने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक से हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राधे राधे दोस्तों।